ये रेट्स हैं डिनर के, रिजर्वेशन का ये लिंक है तो आप लोग रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो ओके, तो हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। इस केएल टावर में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पर हम लोग जाएंगे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने को दिखेंगी। अभी हम नीचे हैं केएल टावर के और हम ऊपर तक जाएंगे। ये मॉडल है और इसमें रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, तो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में बुफे है जिसकी बुकिंग कराई है हमने। तो लेट अस सी। स्मार्ट टैबलेट्स और ये प्राइस लिस्ट है और ये आपके ऑप्शंस हैं लंच, हाई टी, डिनर और ये प्राइस लिस्ट है। तो ये टिकट मिली है और इस टिकट को स्कैन करने के बाद अब हम लिफ्ट के पास आ गए हैं। ये एंट्री है केएल टावर में। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि केएल टावर आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, या केएल टावर नहीं, केएल टावर में तो हम खड़े हैं, बैकग्राउंड में आपको
पेट्रोनस टावर दिख रहा है, ट्विन टावर्स। यहाँ पे ये सुशी है, सुशी जापानीज डिश, क्रैब्स हैं, ये टाइगर प्रॉन्स है, ये वसाबी है, वसाबी सुशी के साथ जनरली वसाबी और सोया सॉस, ये दोनों आप सुशी के साथ खाते हैं। और ये कैपर्स क्या होता है, कैपर्स क्या होता है, ग्रीन मसल्स हैं, ग्रीन मसल्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कॉफ़ी आप अपने हिसाब से पी सकते हैं, जितनी कॉफ़ी पीना है। फिर फ्रूट्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे, तो आप फ्रूट्स सारे के सारे चूज कर सकते हैं। आप देखो फ्रूट्स का नाम आप लोगों को पता है तो आप बताइए, बहुत सारे फ्रूट्स हैं इसमें। देन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सीड्स बहुत सारी रखी हैं, बेसन सीड्स, ग्रीन ग्रीन जेली है, ये जेली सारी की सारी रखी हुई है। फिर इवेपोरेटेड मिल्क, ये इवेपोरेटेड मिल्क क्या होता है, अच्छा सेंडोल, चेंडोल की एक वो बनाती बनती है बहुत अच्छी आइसक्रीम, वो बहुत फेमस है चेंडोल की आइसक्रीम। और इस चेंडोल की आइसक्रीम आप खुद बना सकते हैं यहाँ पर और खा सकते हैं। ये आइस है, इसमें आप डाल के चेंडोल की पूरी, इसके अंदर आप बोल के अंदर चेंडोल की आइसक्रीम बना सकते हैं। और चेंडोल की बहुत टेस्टी होती है आइसक्रीम। आप सीधी सी बात है, यहाँ पे बर्फ़ डालिए पहले चेंडोल की आइसक्रीम के साथ, और फिर उसके बाद अपनी सॉसेस डाल दीजिए, तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने एंटर करा था और यहाँ पे डेजर्ट्स लग रहे मुझे, सो स्ट्रॉबेरी पुडिंग ऐसी दिखती है, देन कम टू मैंगो पेना कोटा, उसके बाद है ये पेना कोटा, पेंटॉन लेयर केक, पेंटॉन लेयर केक लेयर साइज में, पर मैंने कभी खाया नहीं है। बार्सिलोना हेजल स्ट्रॉबेरी जेली, पीनट बटर केक, बूफे में राइस तो स्टीम वाइट राइस है। ऑल राइट, ये है चिकपी राइस, देन ये चिकन कोरमा है, डीप फ्राइड फिश, बेस्ड प्रॉन इन स्पाइसी कोकोनट में, स्क्विड विथ चिली, ऑल राइट। नेक्स्ट है एग्लियो ओलियो, रोस्टेड लैम्ब विथ रोजमेरी सॉस। ये सारी चीज़ें ना मुझे पता नहीं है क्या क्या है, अगर किसी को पता हो तो बताए। वीट मुसल कॉपर सॉस, सॉस बेबी पटेटो विथ हर्ब, दिस इज बटर वेजिटेबल, और फिर कुछ सॉसेस हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ने। यहाँ पे है रोस्टेड चिकन, और फिर सॉसेज हैं सोया सॉस, चिकन राइस, चिली सॉस, और फिर ये स्टिर फ्राइड वेजिटेरियन मीट। ये वेजिटेरियन मीट कैसे हो सकता है? ओह अच्छा, ये वेजिटेरियन मीट है, ये वेजिटेबल से बनाया जाता है लेकिन उसका स्वाद मीट की तरह आता है। ये है वेजिटेबल फ्राइड चिकन, तो देखते हैं क्या है। ओके, बेबी जॉय सॉस विद एग सॉस। सो आप सब लोगों को काउंट करना है कि
जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं केएल टावर में रेस्टोरेंट में, ये है बेबी पॉक चॉय विथ गार्लिक सॉस। सो फिर उसके बाद पीटा ब्रेड है, ये शायद पीटा ब्रेड है, पर ये भी शायद पीटा ब्रेड है, ये चिकन सूप है। This is a light counter. Vegetarian के भी बहुत options हैं यहाँ पे, vegetarian soup है and यहाँ पे आप choose कर सकते हो क्या खाना है आपका और ये soup बन जाएगा। पापड़ में अपना पापड़, फिश क्रैकर्स और एक प्रॉन क्रैकर्स, प्रॉन्स क्रैकर। ये सारे सॉसेस हैं, आप लोग काउंट करते रहना क्या क्या है यहाँ पे। कैरेट, ब्रोकली, गार्लिक, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन, रेड रेडिश एंड बीटरूट। तो अपना सलाद बना सकते हैं आप। अच्छा, ये सलाद नहीं है, ये आप जो है पीटा, पीटा में ये सलाद आप रख सकते हैं। और ओ, तो ये भी अवेलेबल है। फिर ये मुझे चाइनीज़ लगा।